उन तो तू के रिक्वेस्ट करनी जी है कर ली रिक्वेस्ट लग रहे हैं करण भी सर आपना नहीं है और किसी सर आपना नहीं है तो अब अनाथ आश्रम में आपका सर है। जय रे आंटी देखो सादर कर विक्रम की राम राम और भी आप सभी का स्वागत है। तो देखिए दोस्तों इस वक्त भी मैं निर्वाणा में इस वक्त में मौजूद हूँ और आप देख सकते हैं माँ दुर्गा अनाथ एवं वृद्ध आश्रम में आप हम पहुँचे हैं। यानी कि अनाथ आश्रम का मतलब होता है क्या कि भाई जिसका कोई सहारा नहीं होता है। तो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं बातचीत करना चाहेंगे जी। राम राम जी। राम राम जी। क्या नाम आपका जी? शीला है जी। तो ये जो वृद्ध आश्रम आप चला रहे हैं जी अनाथ आश्रम चला रहे हैं क्या उद्देश्य है चलाने का जी? जी बेसहारों की सेवा करना। अच्छा जी। तो यहाँ पर लगभग कितने लोग रहते हैं? 7 लोग रहते हैं जी। तो ये किसके द्वारा चलाया गया जी? हमने घर से चला रहे हैं अभी तो जी। अच्छा, और अच्छा, लोगों को हमारा साथ दें इसमें लोगों का रिक्वेस्ट है हमारी। हरियाणा से निर्वाणा से हाँ सब ऑल इंडिया से कोई भी आ सकता जी बेसारा कोई भी हो। उसके लिए कंडीशन क्या कुछ रहती है? कंडीशन तो कुछ नहीं जी। कंडीशन कोई कागज पत्र आधार कार्ड जमा या कुछ करवाते हैं? हाँ आधार कार्ड दिए एक छोटा फोटो बस और कुछ नहीं। आपका नाम क्या है? शीला। तो आप इस आश्रम को चला रहे हैं? हाँ जी जी। हाँ जी राम राम। इससे हाँ भाई क्या नाम आपका? अमित कुमार जी। तो क्या कुछ करना चाहोगे जो आप ये आश्रम चला रहे हैं अनाथ? ये माँ दुर्गा नाथ व वृद्ध आश्रम ये अपने 1-1.5 महीने से चल रहा है अभी फिलहाल, जिसमें ये दीदी है खुद अनाथ है। इसमें हमारी बहुत ही वो अच्छे वो बात है। अच्छी तो क्या है देखो इसमें बहुत बुरी बात है। क्या आप लोगों की सेवा करना चाहते हैं? हाँ जी हाँ जी बिल्कुल। वैसे तो देखो कहीं पर भी जाके जॉब कर सकते हैं 20-25 हज़ार रुपये की सैलरी पे भी कोई भी भाई खुद का भी काम स्टार्ट कर सकते हैं। मेरे चाचा जी खुद जॉब पे हैं और बस। यानी कि आप समाज सेवा करके है कितना सुकून आपको मिलता है? बहुत ही सुकून मिलता है जी। हमारे को तो इतना पता जी हमारे को तो कोई खांसी जुकाम भी नहीं हुआ अभी तक 1-1.5 महीने से। अच्छा। जब से हमने ये सेवा करी है मन से संतुष्टि मिलती है ये इस बात की। भैया आप देख सको हो जो साथ में विजय तस्वीरों के माध्यम से जो आंटी जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। हाँ जी राम राम। राम राम जी। तो क्या आप इस आश्रम में रहो जी? हाँ जी आश्रम चला रहे हैं जी हम तीनों मिलके। हाँ जी। तो हमारा ये है जी जो भी कोई भी बेसहारा हो जी हमारे से संपर्क करे और सभी भाइयों से रिक्वेस्ट हमारी आज जोड़ के कि हमारे को सपोर्ट करो। सुविधा क्या क्या कुछ है? सुविधा हमारे पास भाई खाने पीने की है मेडिकल की है पूरी सुविधाएं हैं जी। देखो आश्रम में अगर कोई भी आता है तो अपने डॉक्यूमेंट साथ लेके आए, कोई संपर्क करा कोई भाई छोड़ के जा रहा है तो अपने डॉक्यूमेंट साथ लेके आए। और देखो भाई नशे पते वाले को हम नहीं रखेंगे ये बातें हम पहले बोल रहे हैं भाई। कोई यहाँ सोचेगा कि हमारा नशा पता हमारी डिमांड पूरी होगी भाई हमें, देखो हम तो खाने पीने की मेडिकल की ये सुविधाएं दे सकते हैं ठीक है। उसके लिए कोई भी आसपास के गांव में कहीं भी ऑल इंडिया से भी कोई भी आ सकता है भाई बेसहारा हो जरूरतमंद को यहाँ पूरी जरूरत की जाएंगी। जो अनाथ लोग जो यहाँ पे आवे हैं उनके लिए जो फ्री आप फ्री इलाज है फ्री खाना पीना है रहन सहन की तो उन पर कुछ नहीं जाना जी, ना जी कोई उन पर कोई चार्ज नहीं लिया जाओगा जी क्योंकि अभी भी हमारे पास 7 बंदे रहने लग रहे हैं जी। आप उनसे पता कर सकते हो कि हमने कोई एक पैसा भी लिया उनसे, कोई चार्ज नहीं होगा जी किसी चीज का भी उनका। तो मुख्य उद्देश्य है क्या ये? मुख्य उद्देश्य तो यही है जी भाई हमारा समाज सेवा का वही है जी भाई। एक हमारी जो फाउंडर है शीला जी वो खुद मान लो अनाथ बेसहारा हैं जी तो भाई वो अपना लोगों की सेवा करके भाई उनके साथ हम भी हैं भाई उनको थोड़ा सहारा है भाई कोई यहाँ पे आए भाई उनको भी संतुष्टि हो तो हमारे को भी संतुष्टि होती है जी। इसी करके जी हमने संस्था चलाई है तो जो भी कहीं भी किसी को भी बेसहारा मिले तो भी हमारे से संपर्क करें हमारी संस्था में भेज सकता है जी। तो इतना सारा जो खर्च वो उठाते कहाँ से आप? खर्च हम घर से चला रहे हैं जी फिलहाल अभी तक तो जी 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 जी। कोई नेता अभी कोई सहारा नहीं जी हमने अभी तक किसी से कोई से नहीं 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 हमने अभी तक किसी से कोई सहारा नहीं लिया जी हम खुद घर से चला रहे। और कोई सहारा लगाना चाहो तो जो लगा सके? हाँ जी कोई भी भाई अपना दिल खोल के सपोर्ट करो जी। कोई भाई बहन बुजुर्ग चाचा ताऊ कोई भी सपोर्ट करो जी किसी को मना नहीं करेंगे क्योंकि सेवा का काम है जी संस्था है जी। घर से कब तक चलाएंगे जी संस्था सबकी है सब मिलके चलाएंगे जी जी जी। क्या आप भी अनाथ है? नहीं जी मैं अनाथ नहीं हूँ मैं फैमिली से हूँ जी जी जी। आप अनाथ? हाँ जी मैं अनाथ और हमें सब सारा दें हमें सारे की जरूरत है इसमें सब मिलके चलाएं हमारा नहीं आश्रम सभी को तो है। आपका जी ना माँ बाप बहन भाई कुछ नहीं है जी? ना जी सिस्टर है एक। सिस्टर है एक वो कहाँ पर रहती है? खरड़ गांव में रखी है जी। शादी कर रखी है? हाँ जी। और आप से लगी? हाँ जी हाँ जी। अच्छा अच्छा अच्छा। भैया आप देख सको हो जो
आपने मैं दिखाना चाहूँगा, रेणु हमारे साथ जुड़ चुकी है, जो आप सोशल मीडिया जो लगातार आप देखने लग रहे हैं, जो उनके पति है वो छोड़कर नाइन ना चले गए हैं, और जो रेणु ना है भाई जो अनाथ आश्रम का है सारा लेना पड़ा है। तो जी आप आश्रम में रहो और कह देना आप यहाँ पर लिए आए हुए। जी मैं कल आई हूँ यहाँ पे। कल आई हूँ। हाँ पूरी सुविधा है यहाँ पे, फुल सुविधा है। हाँ खान की, पीण की, रहन की, नहाण की, कपड़े धोन की, हर एक सुविधा है, दूध की, पानी की, सब सुविधा है। तो आपके बच्चे हैं, इनके लिए दूध पानी की सब सुविधा है? सब सुविधा है जी मेरे बच्चों के लिए यहाँ पे। तो किसी प्रकार कोई परेशानी कोई दिक्कत यहाँ पे? ना जी कोई परेशानी को नहीं, घर से भी ज्यादा बेटर फील हो रहे हैं। तो ये काम को लिए आप क्या कुछ काम कर रहे हैं? ये काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं भाई, बेसहारा लोगों को सहारा देना बहुत अच्छा काम है, हर किसी की बस की बात को नहीं है ये भाई, बहुत अच्छा काम है। अगर और भी कोई बेसहारा हो तो यहाँ पे आए। तो देखिए लास्ट में क्या कुछ कहोगे, जो आप ना आपके पति छोड़ कर जा रहे हैं, क्या कुछ आप उन रिक्वेस्ट करना चाहोगे? उन तो के रिक्वेस्ट करनी है जी है, कर ली रिक्वेस्ट लग रहे हैं करण भी, जो अनाथ आश्रम का जो सहारा लिया है तो फिर आप यहीं रहोगे? देखो जी जब तक मैंने न्याय नहीं मिलता नहीं मैं यहीं पे हूँ आश्रम में। क्योंकि देखिए माँ बाप का सहारा अपना नहीं है और किसी का सहारा अपना नहीं है, तो अब अनाथ आश्रम ही आपका सहारा है? हाँ जी अब तो मेरा यही सहारा है, जब तक मैंने न्याय नहीं मिलता मैं यहीं पे हूँ आश्रम में ही, बाकी आगे की देखी जाएगी क्या रहेगा। जी जी जी। तो भी आप देख सको हो नरवाना से इस वक्त आप तस्वीरा जो आप देख लग रहे, दोबारा फिर मैं आपने बताना चाहूँगा, माँ दुर्गा अनाथ एवं वृद्ध आश्रम से है तस्वीर आप देख लग रहे थे भी। आप क्या कुछ कहना चाहोगे, जो इतना अच्छा जो कार्य कर रहे, जो सराहनीय जो कार्य कर रहे हैं, तो भी कॉमेंट बॉक्स जरूर अपनी राय जरूर दे दियो, और भी कोई समाज सेवी है कोई नेता है भी इनकी हेल्प कर सका, यानी कि इनका साथ दे सका तो वो साथ दे सकते हैं, कर दियो। धन्यवाद। राम राम।